हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन लेके आया हूं एक नया वीडियो। एक नए वीडियो में एक नया लॉन्ग टर्म शेयर। दोस्तों, नया तो नहीं बोल सकते क्योंकि आप लोगों को सबको पता है उसका क्या नाम है, और अभी वो सबके मुँह पर सभी इन्वेस्टर या ट्रेडर्स बोलो दोस्तों, सभी के मुँह पर वही स्टॉक रहता है जो NSE का टॉप 1 कंपनी है, जिसका नाम अगर हम लेते हैं तो उसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्री। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री का जो जियो प्लेटफॉर्म जमा है दोस्तों, वो उसको उतनी ग्रो दे रहा है रिलायंस कंपनी को, जितना मानो यहाँ पर अपन मान नहीं सकते। ठीक है, लगभग 4 साल हो गए हैं दोस्तों उसको। 4 साल में इतनी कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ा दिया है। ठीक है, बाहर से इतने इन्वेस्टर आ गए हैं। आप लोगों को इसमें क्या करना चाहिए, अभी एक बात बोलता हूँ। क्या इसमें फटाके फूटने वाले हैं, क्या इसमें बम फूटने वाला है, क्या ये स्टॉक रॉकेट बनने वाला है? तो दोस्तों, आप लोगों को जो जो आप लोगों ने सुनी ये सब सही हो सकता है। क्या आप इसको पकड़ नहीं पाओगे? तो दोस्तों, डेफिनेटली आप स्टॉक को पकड़ नहीं पाओगे, क्योंकि वापस से स्टॉक वापस आ गया है 1600 पे। आज इसने अपना 52 वीक का हाई लगा दिया दोस्तों। 897 रुपये का लो लगाया था इसने, अपना 52 वीक का लो, और वहीं से जब इसने रिकवरी करी तो दोस्तों डबल प्राइस पे आ गया है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले तो मार्केट अपडेट दे देता हूँ। आज खुशखबरी दोस्तों, मार्केट काफ़ी अच्छा खासा बंद हुआ है। ठीक है, 10150 का लेवल ब्रेक करके बंद हुआ है दोस्तों मार्केट। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा खासा मूवमेंट है लॉन्ग टर्म के लिए। जो भी ट्रेडर्स ने खरीदारी करके रखी है दोस्तों, वो डेफिनेटली खरीदारी को होल्ड करके रखे, डेफिनेटली आगे अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हो। आप देख सकते हो जो टाटा मोटर्स SBI का रिजल्ट अभी आने वाला है। खैर, ठीक है, टाटा मोटर्स में काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। ठीक है, हमने आप लोगों को स्विंग ट्रेड के अकॉर्डिंग बताया भी था। ठीक है, तो उसके बेस पर जो भी मोमेंटम मिला आप देख सकते हो आज के दिन। तो चलिए, अब जो जिसके ऊपर मैं बातचीत कर रहा हूँ उसके ऊपर लेके चलता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री का दोस्तों पी अर्निंग रेशो 32% से ज़्यादा का है। पी अर्निंग रेशो देखोगे 32% से ज़्यादा का है। 0.4% की गिरावट, ना के बराबर आज गिरावट रही दोस्तों। प्रीवियस क्लोज देखिए, ठीक है, जो लास्ट प्रीवियस क्लोज था वहीं पर आके गिरावट के साथ स्टॉक बंद हुआ। आज का गैप अप ओपनिंग देखिए, कितना शानदार गैप अप ओपनिंग, देन उसका हाई, ऑल टाइम हाई बोल सकते हैं 52 वीक के साथ। वहीं पर लो चेक कर सकते हो 1573.70 रुपये का। वहीं पर आप देख सकते हो दोस्तों, अभी भी आप लोगों को पास एक बात बोलना चाहूँगा दोस्तों, सब चीज़ बताने से पहले, कि आप यहाँ से भी वीडियो देख के, जो चीज़ बता रहा हूँ वहाँ से भी वीडियो देख के छोड़ के जा सकते हो दोस्तों, क्योंकि मैं एक ही चीज़ बोलने वाला हूँ दोस्तों, कि अगर ये 2000 से पहले जो भी ट्रेडर्स ने ये स्टॉक खरीद लिया है, ठीक है, वो यहाँ से मैं बोल रहा हूँ दोस्तों अच्छा खासा पोर्टफोलियो मैनेज करेगा। हो सकता है फ्यूचर में दोस्तों, अगर इस स्टॉक के मालिक ने चाहा या कंपनी के मालिक ने चाहा, अगर ये स्टॉक स्प्लिट भी होता है दोस्तों, तो काफ़ी अच्छा खासा स्प्लिट होगा, तो अच्छा खासा मोमेंटम भी उस पोर्टफोलियो पे मिल सकता है दोस्तों। ठीक है, तो मेरा मानना यही है कि जितने भी ट्रेडर्स हैं वो 2000 से पहले इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रख लेते हैं, तो आप लोगों को एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो आज यहाँ पर ट्रेड नंबर ऑफ शेयर एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ठीक है, कितने, लगभग आप देख सकते हो 1.5 करोड़ शेयर एग्जीक्यूट हो रहे हैं। जो वॉल्यूम रह रहा है लगभग 2.5 करोड़ के, 2.25 करोड़ के। 52 वीक का हाई चेक कर सकते हो, आज ही के दिन का है 1618 रुपये का। 52 वीक का लो चेक कर सकते हो, 23 मार्च को लगाया था 866 रुपये का, और आप प्राइस देखिए दोस्तों कहाँ हो गया, 1618 पे। आप सोच नहीं सकते लगभग 1 से 1.5 महीने में इस स्टॉक में इतनी तेज़ी आई है दोस्तों। वहीं पर आप देख सकते हो डिलीवरी पैटर्न खासम खास 35 लाख डिलीवरी पैटर्न आपको दिख रहे हैं, जो कि 27% है और पोर्टफोलियो में मैनेज करके रखी है। ठीक है, वहीं पर थोड़ा सा कंपनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं बता देता हूं। क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट अपने को थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, लॉकडाउन का असर इस कंपनी के ऊपर भी देखने को मिला था दोस्तों। ठीक है, मार्च क्वार्टर, दिसंबर क्वार्टर आप चेक कर सकते हो, वैल्यूएशन जो रहेगी वो लेक में रहेगी। तो जो यहाँ पर 10 लाख का प्रॉफिट था वो घट के मात्र यहाँ पर 2.5 लाख का रह गया था दोस्तों। कोई बात नहीं, ठीक है, अभी इसका राइट इशू भी खत्म हो चुका है। ठीक है, जो राइट इशू इन्होंने निकाला था 15 शेयर पे 1 शेयर का, वो भी लगभग 2 गुना प्रीमियम के साथ भरा था दोस्तों, काफ़ी अच्छा खासा रहा था। ठीक है, ये तो हो गई थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन। मार्केट कैपिटल तो आप लोगों को पता है, कंपनी का मार्केट कैपिटल 10 लाख करोड़ से ऊपर का है, मतलब NSE में टॉप 1 कंपनी अपन बोल सकते हैं दोस्तों इसको। ठीक है, अपने स्टॉक मार्केट में। तो अब आइए जो न्यूज़ है उसके ऊपर लेके चलता हूँ दोस्तों। मैंने ये PDF आप लोगों के सामने ओपन किए, ये PDF आज ही के दिन की है।
ठीक है। यहाँ पर आप डेट देख सकते हो जून 5 की, ठीक है। BSE और NSE को रिलायंस ने दोनों को सौंप दिए ये PDF फाइल, ठीक है। ये इस PDF में ये लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो कन्फर्मेशन मिल गया है दोस्तों। मुबादला ने इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया है, जियो प्लेटफॉर्म में इन्वेस्टमेंट कर दिया, और कितना इन्वेस्टमेंट किया है, 9,093 करोड़ का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया। अगर आप देखे जाए तो 9,100 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। तो आप देख सकते हो कंपनी में ये अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छे मोमेंटम के साथ इन्वेस्टमेंट हो रहा है दोस्तों। बाहर की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं दोस्तों, उन्होंने रिलायंस का जो जियो प्लेटफॉर्म है उसमें काफ़ी हद तक इन्वेस्टमेंट किया है। मैं थोड़ा सा नीचे लेके चलूँगा और आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, जियो प्लेटफॉर्म हैज़ राइज इन्वेस्टमेंट, मतलब 87,000 करोड़ का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इन्होंने अर्न कर लिया है दोस्तों, ठीक है। बाय लैंडिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इज 6th week, मतलब आप देखोगे तो लगभग डेढ़ महीने में इतना इन्वेस्टमेंट इन्होंने अर्न किया है दोस्तों। और ये इन्वेस्टमेंट अर्न करने का मतलब है कि कंपनी के ऊपर जो बचा हुआ 1.5 लाख करोड़ का डेट है, जो कर्ज है, वो यहाँ पर इजीली ख़त्म होते हुए दिखेगा दोस्तों, लगभग 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है। ये तो बात हो गई इस प्रकार से जो आप लोगों को मुबादला। अब आप लोगों को एक बार बता देता हूँ कि दोस्तों मुबादला कंपनी कौन सी। मुबादला कंपनी दोस्तों एक प्राइवेट इक्विटी फंड है दोस्तों। प्राइवेट इक्विटी फंड जैसे, मतलब आप लोगों को मैं बता चाहूँगा, जिस यहाँ पर अपने यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड है जो अपने इन्वेस्टमेंट को टेक केयर करता है दोस्तों, ठीक है, उसी प्रकार से मुबादला भी इसी प्रकार से इन्वेस्टमेंट करता है। और इसके ऊपर गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट का हाथ है, इसके ऊपर अबू धाबी की गवर्नमेंट का हाथ है, और अपने म्यूचुअल फंड में अपने देश की गवर्नमेंट का हाथ है। तो उसी प्रकार से दोस्तों मुबादला सेम म्यूचुअल फंड का जो काम रहता है उस प्रकार का काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो द इकोनॉमिक टाइम के ऊपर भी आ गया है, अबू धाबी मुबादला टू इन्वेस्टमेंट 1.2 बिलियन इन रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म। तो आप समझ सकते हो दोस्तों जो कितना शानदार यहाँ पर जो न्यूज़ आ रहा है। अब रिलायंस देखिए, रिलायंस ने जो पूरे स्टॉक सोल्ड कर दिए वो लगभग 19% के यहाँ पर जो स्टॉक है वो पूरों ने सेल कर दिए दोस्तों। मार्च के महीने तक, अप्रैल के महीने तक 100% पूरी हिस्सेदारी यहाँ पर कंपनी के पास ही थी, लेकिन अब कितनी यहाँ पर लगभग अगर मैं बात करूँ तो 42% की अब होल्डिंग कंपनी के पास बची हुई है, बाकी तरीके से यहाँ पर दे दी गई है। अब आप देख सकते हो कि जो लगभग जो परसेंटेज वाइज अगर आप देखोगे तो 1.85% का यहाँ पर कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो और कम होते हुए दिखेगा, क्योंकि ये 1.85% जो मुबादला कंपनी है उसके पास चले जाएगा दोस्तों, ठीक है। कंपनी का वैल्यूएशन बताना चाहूँगा, जो इक्विटी वैल्यूएशन है वो लगभग 5 लाख करोड़ के समथिंग का है, ठीक है। और जो इंटरप्राइज वैल्यू है वो आप देख सकते हो, लगभग वो भी 5.25 लाख करोड़ के आसपास ही है दोस्तों। तो अपने को पता है कि कंपनी का क्या है, बाकी चीज़ें मेरे को बताने की ज़रूरत है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। बाकी चीज़ें और यहाँ पर आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब जो मैंने आप लोगों को बात बताई थी कि जो कर्ज उतारने में मदद होगी वो यहाँ पर आप देख सकते हो, इस पैराग्राफ में आप पढ़ सकते हो दोस्तों। रिलायंस स्टेक सेल विल बी हेल्प द, यहाँ पर आप देख सकते हो 0 net debt, ठीक है। मार्च 2021, मतलब जो लास्ट क्वार्टर आने वाला है, ठीक है, जो आने वाला 2021 का मार्च का क्वार्टर है, जब तक ये कंपनी अपने को 0 debt free मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। जो लास्ट क्वार्टर में लगभग जो 2019 का क्वार्टर था, 2020 का क्वार्टर था, जब कंपनी के ऊपर 3.5 लाख करोड़ का कर्जा था जो उन्होंने पे कर दिया 1.75 लाख करोड़ का दोस्तों, अब बच गया 1.61 लाख करोड़ का यहाँ पर कंपनी के ऊपर कर्जा बचा हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो वो भी अपने को आसानी से पे होते हुए यहाँ पर दिखेगा। तो आप लोगों को ये तो घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कंपनी के जो फैमिली मेम्बर है, कंपनी के जो मालिक के फैमिली मेम्बर है, उन्होंने सबने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके रखा है दोस्तों। तो आप समझ सकते हो कि इजीली कंपनी कितनी जल्दी ग्रो करेगी यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो कंपनी ने दोस्तों राइट इशू निकाला था, जो राइट इशू लगभग 54,000 करोड़ का निकाला था, ठीक है, जो कि आप देख सकते हो 1.60% यहाँ पर सब्सक्रिप्शन मिला है कंपनी को, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर, जो कि वेडनेसडे को कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, जो कि आप लोगों को पता है 15 शेयर पे 1 शेयर यहाँ पर मिलने का रखा हुआ था राइट इशू पर, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, जितनी भी कंपनियों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, उसके वैल्यूएशन के ऊपर लेके आया हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर इन्वेस्टर है,
इन्वेस्टमेंट आप करोड़ में है और स्टेक कितना यहाँ पर सेल हुआ है ये आप देख सकते हो। फेसबुक, फेसबुक मैंने लगभग 43,575 करोड़ का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है दोस्तों, ठीक है, जो कि 9.99% का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। वहीं पर आप देख सकते हो बिस्टा इक्विटी पार्टनर ने लगभग 11,367 करोड़ का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है, जिसका वैल्यूएशन यहाँ पर निकल के आता 2.32% का दोस्तों, ठीक है। जो KKR कंपनी है उसने भी सेम ही प्राइस में इन्वेस्टमेंट किया है 11,376 करोड़, जो कि 2.32% का स्टेक निकल के आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जनरल अल्ट्रा, यहाँ पर आप देख सकते हो जो जनरल अटलांटिक है उसने लगभग 6,598 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, जो कि वैल्यूएशन निकल के आती है 1.34% की, ठीक है। जो सिल्वर लेके उसने यहाँ पर 5,655 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, जो कि वैल्यूएशन निकल के आती है 1.15% की दोस्तों। अब मुबादला है, मुबादला ने यहाँ पर 9,094 करोड़ का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया, जिसका वैल्यूएशन निकल के आता है दोस्तों 1.85% का, ठीक है। अब यहाँ पर आप टोटल देख सकते हो 87,655 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो चुका है कंपनी में लगभग डेढ़ महीने में दोस्तों, और कंपनी ने 18.97% का लगभग, अगर बात करें तो 19% का स्टेक यहाँ पर सेल कर दिया। अब कंपनी के पास 81% और यहाँ पर स्टेक बचा हुआ है दोस्तों, ठीक है। और जितनी भी कंपनियाँ हैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये पूरी कंपनियाँ बाहर की है दोस्तों, ठीक है, अपने देश की एक भी नहीं, और इन सभी ने पहली बार इतनी शानदार तरीके से अपने एशियन मार्केट में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट किया है दोस्तों, जो कि आप वैल्यूएशन चेक कर सकते हो सभी कंपनी की बात करें तो, ठीक है। तो अब इसमें एक बात और है कि जो माइक्रोमैक्स का अभी कन्फर्म न्यूज़ नहीं है कि माइक्रोमैक्स भी इसमें अगर इन्वेस्टमेंट कर देता है तो कंपनी का और तेज़ी से आप लोगों को ग्रो देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि जियो प्लेटफॉर्म ने लगभग 4 साल में अपना यहाँ पर टेलीकॉम सेक्टर में पांव अच्छी तरीके से जमा लिया है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने जो बताया है कि 2000 के प्राइस के नीचे नीचे अगर आप लोग स्टॉक को खरीद लेते हो तो आपको एक अच्छी खासी तेजी मिल सकती है दोस्तों, ठीक है। अदरवाइज आप अगर ऊपर खरीदते हो स्टॉक फिर करेक्शन में रहता है, फिर करेक्शन के बाद फिर सुधरता है, तो आप लोगों को बहुत तरीके से नुकसान भी हो सकता है दोस्तों। तो इसके लिए आप लोगों को सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अदरवाइज़ जिन्होंने माल खरीद रखा है वो तो उनके लिए तो काफ़ी अच्छी बात है। बाकी जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उस प्रकार से बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती है मार्केट में दोस्तों, कि कोई बंदा अगर मान लीजिए 1600 के प्राइस पर ख़रीद लेता है और स्टॉक अभी नीचे आ जाता है लगभग अगर मान लीजिए 1200, तो वो बोलेगा कि मेरा इन्वेस्टमेंट अटक गया है, ऐसा हो गया है। अगर मान लीजिए दोस्तों, अगर यहाँ से वो मान लीजिए 1600 से भाग जाता है तो फिर वो बोलेगा मेरे को कम मार्केट में आज से 5 साल पहले या 4 महीने पहले आना था, उस प्रकार से मोमेंटम का फ़ायदा उठाना था, लेकिन उस प्रकार से कुछ भी नहीं हो पाया। तो जिसके कारण क्या होता है, वो काफ़ी पैनिक हो जाता है, वो पैनिक सिचुएशन और डिप्रेशन में चला जाता है, जिसके कारण काफ़ी लॉस भी बियर कर लेता है। तो दोस्तों आप लोगों को थोड़ा देखना है, देखने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट करो तो आप इस कंपनी के जैसे इन्वेस्टमेंट करो, अदरवाइज आप इन्वेस्टमेंट नहीं करो तो ही अच्छा है, ठीक है। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को जरूर लाइक करना, देन चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि डेली बेसिस पे इंट्राडे की टिप्स एंड मार्केट अपडेट आप लोगों तक लाता रहता हूँ। थैंक यू दोस्तों।